हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद पूनम। आई होप आप सब बिल्कुल खुश होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझसे बहुत बार क्वेश्चंस किए जाते हैं कि अगर कान में इयररिंग फंस जाए तब हम उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका नोज पिन फंस गया है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपका अगर बाली डालने के बाद अगर आपके नोज का होल छोटा हो गया है तो हम किस तरह से उसमें नोज पिन डाल सकते हैं, उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर नाक में बाली फंस गई है तो उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगर कान में इयररिंग फंस जाए। हमने कोई इयररिंग बहुत दिनों से डाला हुआ है तो जो उसका पीछे का स्टॉपर होता है वो बिल्कुल जाम हो जाता है, और जब हमें किसी फंक्शन पार्टी में कोई और इयररिंग डालने का मन करता है तो उस टाइम पे हमारा इयररिंग रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने खुद ही एक ट्रिक अपनाई। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई तो मैंने किस तरह से वो ट्रिक अपनाई वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको भी बिल्कुल इजीली आप अपने इयररिंग को रिमूव कर सकते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहां मेरे पास एक इयररिंग है इस टाइप का, ये देखिए इसमें कुछ इस तरह का स्टॉपर लगा हुआ है। मोस्टली हमारा स्टॉपर जो है वो प्लास्टिक का होता है, अगर मेटल का है वो भी मैं आपको जो तरीका है वो बताऊंगी रिमूव करने का। और प्लास्टिक का स्टॉपर अगर फंस गया है उसको भी हम किस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं, खोल कर सकते हैं। तो ये मेरा जो स्टॉपर था ये प्लास्टिक का स्टॉपर है और ये बिल्कुल फंस गया था और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। जब आती है जब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं और हमारे हाथ बिल्कुल स्लिप हो जाते हैं और किसी तरह से भी मूवमेंट नहीं हो पाती, तब उस टाइम हमें क्या करना है। अगर आपका ये मेटल का है और आपका बिल्कुल जाम हो चुका है और आपने ऑयल डाल लिया है और आपके हाथ स्लिप हो रहे हैं जिससे इसमें ट्विस्ट करने में कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी, हमारे हाथ इस तरह से स्लिप हो जाएंगे, आपको उस टाइम पे ये देखिए इस तरह से कॉटन लेनी है या फिर आपके पास कोई टिश्यू पेपर है तो उसको कट कर लीजिए या हैंकी से भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से दोनों हाथों में कॉटन लेनी है और ये देखिए इस वाले पार्ट को भी कॉटन से पकड़ना है और इस वाले पार्ट को भी कॉटन से पकड़ना है। जब हम इनको कॉटन से पकड़ेंगे तब इनकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी और इनको ट्विस्ट करने में इजी होगा। इस तरह से जब हम इनको ट्विस्ट करेंगे तो ये इजीली ट्विस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमें इस तरह से ये ट्विस्ट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल चोक हो गया था मेरा, तो तब मैंने इसको ब्लेड से कट किया था। देखिए जब भी आप ब्लेड का यूज करें तो बच्चे इसका यूज ना करें सबसे पहले तो, और आप किसी और की हेल्प से ही इसको कट कराएं, खुद इसको कट करने की कोशिश ना करें। इससे आपका जो ईयर है वो उस पर कट लग सकता है और आपको चोट लग सकती है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ब्लेड से इसको यहां से रिमूव कर दिया था, देखिए यू कैन सी, ये देखिए इसको यहां से ब्लेड से इस तरह से हमें कट कर देना है हल्का सा। कट लगते ही ये बिल्कुल लूज हो जाएगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको यहां से कट किया था, ये देख आप शायद देख भी सकते हो ये थोड़ा सा कट हुआ हुआ है, और कट होते ही ये इजीली रिमूव हो गया था। अदरवाइज ये बिल्कुल इतना छोटा इयररिंग है, ये देखिए ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो गई थी कि अब ये अगर मेरे हेयर में होगा तो मैं अपने मनपसंद और इयररिंग्स डाल ही नहीं पाऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।